गुंजीत सिंह बग्गा, महामंत्री वाराणसी युवा व्यापार मंडल। आप युवा व्यापारी हैं, युवाओं के लिए कैसा रहा है? युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट निकाला है इन्होंने, सबके लिए देख के निकाला है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, जो युवा को बेरोजगार था उनके लिए भी इन्होंने निकाला है। सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट निकाला है इस बार। किस तरह का बजट था, सीएम दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बजट जो है वो ये दर्शाता है कि सरकार चाह रही है कि हर एक नागरिक भारत का जो है वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, थोड़ा बहुत मोबाइल ऐप सीख ले, कंप्यूटर भी सीख ले, और मेन पेमेंट जो है वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से पेटीएम के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू उन सब के देना शुरू कर दे, तब तो उसको सरकारी बेनिफिट स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो कहेगा कि मैं ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं करूँगा और मैं कुछ सीखूँगा या नहीं, तो वो कहाँ से फ़ायदा उठा पाएगा सरकारी स्कीम का। तो मेन ये बजट नहीं है, इन्होंने कर दिया है, इस तरह से स्कीम लाई है सरकार ने। देखिए, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जिसका भी कर योग्य आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, सारे डिडक्शन के बाद, LIC की छूट के बाद, हाउसिंग फाइनेंस की इंटरेस्ट की छूट के बाद, आपकी कर योग्य आमदनी 5 लाख तक है तो आपको 1 रुपया भी आयकर नहीं देना है, 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको टैक्स देना है। ये सबसे बड़ी स्कीम है सरकार की उपलब्धि बजट में। व्यापारियों का इसका यह सब पड़ेगा, अब व्यापारी सोचेंगे कि जो भी वो पेमेंट करें ऑनलाइन के थ्रू करें, जो भी खरीद बिक्री करें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और बिल्कुल सही तरीके से चलें, और गलत तरीके से चलेंगे तो सरकार पेनल्टी भी लगाएगी, ब्याज भी लगाएगी और उनको छोड़ेगी नहीं। सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, ईमानदारी से चलिए तो सरकार साथ है, और थोड़ा सा पुरानी आदत है इन्हें जुगाड़ की पद्धति से तो सरकार छोड़ेगी नहीं आपको। मेरा नाम नूतन सिंह है और महिला व्यापार मंडल में मंत्री पद पे हैं, और मेरी अपनी संस्था भी है नौ निर्माण सेवा केंद्र। बजट तो बहुत अच्छा आया है और महिलाएं उम्मीद भी करती हैं कि उनके लिए और अच्छा हो। ऊपर से बजट आता है मगर नीचे आके बजट जो भी पास होता है वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जिनके पास आता है वो बहुत परेशान करते हैं, और घर गृहस्थी में भी है कि जो थोड़ा उनको मतलब और सुविधा देना चाहिए महिलाओं को, बच्चों की पढ़ाई है, घर गृहस्थी चलाना है, महिलाओं को इसमें बहुत सफ़र करना पड़ता है, और वैसे सब मिला के बजट तो अच्छा आया है। मैं प्रमोद अग्रहरी, महामंत्री वाराणसी व्यापार मंडल। इस बार जो बजट है वो पिछली बार के बजट को साथ में लेते हुए कुछ नए बजट भी आए हैं, जिसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और आधार कार्ड को भी एक आधार भारत के अंदर पासपोर्ट का रूप दिया गया है, और NRI लोगों के लिए भी यहां से आधार कार्ड बनवाने का और उसको प्रोत्साहित करने का भी काम दिया गया है, और महिलाएं जो जनधन योजना में खाता खुलवाई 5,000 रुपये उनको ओवरड्राफ्ट के रूप में वो कभी भी ले सकती हैं बैंकों से, और कामकाजी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन के रूप में बिना किसी जमानत के सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। सरकार की ओर से बहुत सारे छोटे छोटे कल कारखाने चलाने के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, कपड़े की बुनाई कढ़ाई से संबंधित कार्यों को लेकर के इस तरह की तमाम योजनाओं का वो किया गया है, और गरीब असहाय निर्धन लोगों के लिए सरकार की ओर से 1,81,00,000 मकानों का निर्माण कार्य जारी है, जो अभी तक 24 लाख लोगों को मिल भी चुका है, आगे और लोगों को मिलने की योजना बनाई जा रही है। किसानों के लिए भी उनके आय को दूना करने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी नई योजनाओं को बनाया गया है, जैसे उन्हें सस्ता बीज उपलब्ध कराना, उन्हें खेती के यंत्र को बिना ब्याज के देना, इस तरह के कई चीज़ों का सरकार की ओर से ऐलान किया गया है जिसका अब किसानों को लाभ मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति और अन्य जगहों पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सेना और ये पुलिस में भर्ती योजना बनाई गई है। आज के बजट की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज के बजट में इन्होंने सबका ध्यान रखा है, MSME में जो ऋण माफ़ी की कभी भी व्यवस्था नहीं थी उसके लिए भी इन्होंने रखा है,
और एक जगह से लोन मिले लोगों को MSME में, उसकी भी व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन में 1,00,000 रुपए तक की व्यवस्था की है। जनधन में जिनके खाते हैं उनको 5,000 ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था की है। शौचालय बढ़ाने की व्यवस्था की है। कई करोड़ आवास देने की बात कही है। जिस तरफ भी देखिए सब तरफ खुशहाली है और बजट से हर व्यक्ति खुश है। किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। किसानों को बढ़ाने के लिए इन्होंने कई योजनाओं का लाभ दिया है। छोटे छोटे कुटीर उद्यमियों से लोगों को जोड़ा है। महिलाओं को ग्रामों गांवों में आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बजट में जोड़ा है। क्या लगता है पिछला जो बजट था इससे ये कुछ मॉडिफाई हुआ है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है बजट में? पिछले बजट से इस बार के बजट से ज़्यादा लोग खुश हैं और पिछले साल की अपेक्षा इस बार का बजट ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि इस बार देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने एक तरह से पैसे का पिटारा खोल दिया है हर व्यक्ति के लिए। ये जो 5,000 देना, 1,00,000 देना, ये सब उद्योगों को बढ़ाना, इसका मतलब इनको भी लग रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कुटीर उद्यमियों और आम रोजगार से ही बढ़ सकती है। मैं डॉक्टर आकाश, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, अग्रसेन कन्या PG कॉलेज। बात करें, आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, बजट को देख के क्या लगता है कि कितना अच्छा है और किन वर्गों के लिए विशेष फायदेमंद आपकी नज़रिए से? मेरे ख्याल से बजट तो बहुत बैलेंस पेश किया है वित्त मंत्री ने। सबसे बड़ी बात है कि जो एक थोड़ी सी कमी दिखती है वो पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपये की बढ़ोतरी की इन लोगों ने बात की है। तो 1 रुपये की बढ़ोतरी फिलहाल होने से कहीं ना कहीं माल ढुलाई में और बाकी चीज़ों में कुछ अतिरिक्त भार पड़ेगा, गरीबों पे थोड़ी दिक्कत आएगी। टैक्स स्लैब 5,00,000 ही रखा है, 5,00,000 पिछले बार भी था, 5,00,000 इस बार भी है। टैक्स स्लैब के थोड़े बढ़ने की उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद अब 10%, 20% और 30% है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब भी एज इट इज़ रखा गया है, जैसा था वैसा ही रखा गया है। हाँ, ये बात है कि होम लोन पे गाड़ियों पे छूट दी गई है, उसकी सुविधा दी गई। ये अच्छा बजट है, बैलेंस बजट है और कहीं ना कहीं आवश्यकता भी है राष्ट्र की, बढ़िया बजट पेश किया है। प्रकोष्ठ व्यापार मंडल अध्यक्ष हाजी सैद कुरैशी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास है? अल्पसंख्यकों के लिए खास है कि विशेष जिसे क्लास कंप्यूटर निकाला गया है वो पहले से ही बेहतर था। हर मदरसों को कंप्यूटर देने की बात हुई है, उससे अल्पसंख्यक में एक खुशी की लहर है। इससे शिक्षा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा अभी भी उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री जी और माननीय मोदी जी और भी हम सबकों के लिए करेंगे। मैं डॉक्टर कंचन मोहन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्राचीन इतिहास, कृष्ण कन्या PG कॉलेज। आज वर्तमान जो बजट के बारे में सीतारमण जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और आम जनता के लिए जो बातें सामने रखी हैं उसमें जो मध्यम वर्ग है हमारा, केवल उसकी छूट की जो बात करते हैं, व्यवहारिकता में कोई लाभ मध्यम वर्ग को दे नहीं रही है। इन वाहन के टैक्सेस और जो हमारी नेसेसिटीज है उन मदों पे इन्होंने अपना कोई फोकस नहीं किया है। जो लग्जरी चीज़ें उनसे हमें लेने से ज़्यादा ज़रूरी जो प्रैक्टिकल लाइफ के डेली की चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, जैसे पेट्रोल है और डीजल, इसके मूल्य में इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। आम जनता जैसे पहले प्रताड़ित थी आज भी है। निर्मला सीतारमण एक अच्छी वित्त मंत्री होने के जो सबूत है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने नहीं दे रही हैं। इनके वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट व आंकड़े जो सामने पिछले चीज़ों के रिकॉर्ड के साथ कंपैरेटिव करके देखा जाए तो हमें कोई उसका वाजिब मुनाफा या उसका व्यवहारिक पक्ष में फ़ायदा हमें आज वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ भी तरीके से नहीं मिल रहा है। गरीब को केवल दिखाया जा रहा है कि अंडर 5 लाख के जो चीज़ें अगर ये लोग इनकी जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं होगा तो जो इनके स्लैब की नियमावली सामने दिख रही है इससे व्यवहारिक जन में कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूर्ण तरीके से इनके बजट से संतुष्ट नहीं हैं, इनको और कुछ संशोधन करना चाहिए।